ईरान से आया ये तुम्बक और ईरान से आया मेरा दोस्त फखरुद्दीन गफारी मेरे साथ हैं आज बीबीसी हिंदी के स्टूडियोज में जो बजा रहे हैं तुम्बक और ईरान से आए हैं काफी स्पेशल है हमारे लिए इंडिया में बहुत जगह परफॉर्म कर चुके हैं कैसे कैसा लग रहा है यहाँ पर سلام عرض میکنم به تمام هموطنان ایرانی و هندیم خیلی خوشحالم که دوست عزیز من وهبف امروز منو دعوت کرد که بیام شبکه بی بی سی هندی برای بی بی سی لایف فارسی بولتے ہیں اور ہندی بھی صاحب بولتا ہے یہ جو کچھ بولا نا اس کو ہندی میں بتاؤ میں نے کہا تھا کہ اپنے انڈین دیش والوں اور اپنے ایرانی دیش والوں کو میرا آداب اور نمسکار اور میں بہت خوش ہوں کہ آج میرے بہت پرانے دوست وهبف مجھ کو یہاں بلایا آپ کے لیے میوزک بجانا اور बात करना ये क्या इंस्ट्रूमेंट है तुम्हारा थोड़ा इसके बारे में बताओ मुझे ये इसको थुम्बक कहते हैं हम ईरान में और ये लकड़ी से बनाया हुआ होता है और ये थुम्बक जो है ईरान की शास्त्रीय संगीत में बजता है जैसे तबला होता है इंडिया के शास्त्रीय संगीत में बजता है थुम्बक ईरान की शास्त्रीय संगीत में बजता है क्या साउंड है इसकी तबला के तो हम जानते हैं कि उसके ऊपर तीन अलग अलग चीजें होती हैं काला बीच में होता है इसकी क्या साउंड है ये क्या चीज है ये कैमल की स्किन है ये तबला जैसा नहीं है क्योंकि तबले में दो अलग होता है एक बायां होता है और एक दायां होता है ये इसमें दोनों के काम होते हैं लेकिन एक ही काल में होता है तो और कैसे होता है जैसे कुछ रेले तबले का तुम भंगड़ा भी करा सकते हो इस पर जी, 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 वो कैसे होता है क्या बात है क्या बात है अच्छा और ईरान में कैसे बजाया जाता तुम्बक असली तुम्बक कैसे बजाया जाता थोड़ा एक उसका हम जो पीस मैंने सुनना एक, एक आपको पीस में बजाया था शुरुआत में हाँ वो एक मेरा उस्ताद उस्ताद बहमान रजबी ईरान में और वो असल में मना कर दी कि उस्ताद की लफ्ज मेरे लिए यूज़ मत करो क्योंकि म्यूज़िक और कला में कोई उस्ताद कभी नहीं बन सकता क्योंकि इसका कुछ हद नहीं होता है तो उसका मैं एक पीस पेश करता हूँ आपके लिए तुम्बक का काफ़ी क्लासिकल पीस है बात है अच्छा एक बात बताओ इंडिया में आप कब से हो यहाँ पर इंडिया में मैं आया था 2002 में आई थिंक 14 साल का उम्र था मेरा और तब से यहाँ पर रह रहा हूँ तब हिंदी आती थी बोलने कुछ बिल्कुल भी नहीं आता था और सब सीख लिया यहाँ पर जी 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 अच्छा और एक बात बताओ कि ये तुम्बक इंडिया में कैसा रिसीव किया जा रहा है तुम्बक मैं अकेला आई थिंक कोई और नहीं है इंडिया में जो तुम्बक बजा रहा होगा और कई लोग थे जो प्रोफेशनली नहीं बजाते थे और मैंने तुम्बक में जो क्योंकि मैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का फराय करता था और कर रहा हूँ अभी अच्छा। अभी भी हाँ तो जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का जो मैंने तबले का सीखा वो इसमें निकालने की कोशिश किया और इसका ऑलरेडी अपना बहुत सारे चीज़ है जो तबले से काफ़ी मिलता जुलता है तो इंडियन म्यूजिशियंस के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था और इंडियन लोग्स के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट है लेकिन इसमें बहुत अलग अलग साउंड्स
क्रिएट हो सकता है। क्या हम सुन सकते हैं वो अलग अलग साउंड्स जो तुम्बक पे बजाई जा सकती हैं? जो आजकल हो रहा है कंटेम्पररी तुम्बक प्लेइंग जिसको हम कहते हैं, मैं थोड़ा सा आपको। हाँ, तो आजकल का तुम्बक कैसा बजता है? फखरुद्दीन गफारी हमारे साथ है ईरान से। आज है थर्सडे ट्यून्स, हर थर्सडे हम आपके लिए फेसबुक पर लेकर आएंगे कुछ ऐसे फनकार जिनको आपने ज्यादा देखा नहीं होगा, मगर इनकी आवाज और इनका म्यूजिक कमाल है। फखरुद्दीन और इनका तुम्बक ईरान से आपके लिए खास। गिटार बजा रहे हो? पानी टपका दिया, बरसा दिया इसके ऊपर, कमाल है। ये क्या क्या फॉर्म्स आपने की? कुछ गिटार जैसा भी लगा, कुछ ऐसा लगा जैसे बर्ड कुछ कर रही है इसके ऊपर। देखिए, म्यूजिक अपना इंस्पिरेशन नेचर से लेता है और लोगों की एनर्जी और गुरु की ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद ये सब मिलके तो हर आदमी उसको अपनाया लेता है, अपने तरीके से उसको पेश करता है। तो इसका कोई हद नहीं है, जो आपके गुरु ने सीखा आप उसको लेके उसमें कुछ कहीं सारे चीज़ें निकाल सकते हो। तो ये म्यूजिक ना सिर्फ म्यूजिक कला का खासियत है। और बस, और आप कब से बजा रहे तुम्बक? मैं शुरू किया था 7 साल की उम्र से अपने अंकल से, क्योंकि मेरे फैमिली सब आर्टिस्ट लोग है, इंक्लूडिंग माय फादर एंड माय ग्रैंडफादर। और वो क्या बजाते हैं? माय फादर प्लेज डफ, अच्छा, इरानियन फ्रेम ड्रम, जो मैं भी बजाता हूँ। आज मौका नहीं मिला आपके पास लाने का, हम आपको फिर बुला लेंगे, कोई बात नहीं। बिल्कुल। अच्छा, और ये बताइए कि 7 साल की उम्र से आप बजा रहे हैं, इंडिया आए म्यूजिक सीखने के लिए, इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, कितना आपको हेल्प किया है तुम्बक को नए तरीके से बजाने में? असल में जब मैं अपने परिवार के साथ यहाँ पे आया था, तो जब मेरे फादर का पोस्टिंग हुआ था यहाँ पर एज ए टीचर, वो ईरानियन स्कूल जो गोफलिंग में, वहाँ पर टीचर था। अच्छा, मेरे मदर भी। अच्छा। तो मेरे फादर को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की थ्रू से 3 ऑप्शंस मिल गया था, लंदन, दुबई एंड दिल्ली। अच्छा। और उन्होंने दिल्ली चूज किया। तो उस समय हम बहुत गुस्से थे, यार लंदन क्यों नहीं जा रहे, यार लंदन जाओ। लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं अब एक देश जाना चाहता हूँ जहाँ पर जिसके कल्चर से मेरे बच्चों को कुछ मिल जाए। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए, और मेरे जिंदगी और म्यूजिक का जो रास्ता था वो बिल्कुल अलग हो गया। मतलब इंडियन म्यूजिक के साथ मुझे मेरे जो टीचर्स है यूनिवर्सिटी में और जिनसे मैं सीखा हूँ इंडियन म्यूजिक, उन लोगों से इतना मुझे प्यार मिला है, ना सिर्फ म्यूजिक, इतना प्यार और मोहब्बत मिला है, और वो मेरे बजाने में बिल्कुल आया हुआ है। और जो भी मैं सीखा हूँ इंडियन म्यूजिक और जो भी मैं इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से निकालने का कोशिश कर रहा हूँ ईरानियन म्यूजिक के अलावा से, वो सिर्फ उन लोगों की प्यार से और मेरे प्यार इंडियन म्यूजिक और इंडियन कल्चर के लिए। मैं अपने आप को इंडियन मानता हूँ। मेरे साथ है फखरुद्दीन गफारी आज यहाँ पर, और प्यार से मैं इनको सिन्हा बुलाता हूँ, तो बीच बीच में अगर मैं सिन्हा बुला दूँ तो फिर आप समझना इनकी बात हो रही है। कोई सवाल अगर आप इनसे कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो यहाँ नीचे कॉमेंट्स में लिख कर बताइए, हम आपका सवाल इन तक पहुँचाएंगे। तब तक एक ऐसा पीस फखरुद्दीन बजाने वाले हैं जो इन्होंने कई आर्टिस्ट के साथ, जब यहाँ इंडिया में परफॉर्म करते हैं बड़े बड़े आर्टिस्ट, उनके साथ बजाया। ये किस किस के साथ बजा चुके हैं पीस वो बाद में बताएंगे, मगर हम पहले बजाएंगे कोई ऐसा पीस जो आपने इंडिया के आर्टिस्ट के साथ बजाया हो। जी, बिल्कुल।
सवाल आया आपके लिए, पहले हम ये पूछेंगे कि आपने पीस किसके साथ बजाया है? ये जो ग्रूव में बजा रहा हूँ ये बहुत ही मिडिल ईस्ट का बहुत ही मशहूर ग्रूव है जो जिसको सईदी कहती है, जो कई बार बेली डांसिंग में भी सुना गया है। जी जी, जो इसका एक और ग्रूव है। तो ये जो है मैंने काफी सारे, क्योंकि मैंने पंजाब की काफी कलाकारों के साथ संगत दे चुका हूँ और पंजाबी म्यूजिक में मिडल ईस्टर्न रिदम और मिडल पंजाबी रिदम का काफ़ी सारे, असल में ऐसा है कि आप एक ही चीज़ बोल रहे हो अलग अलग भाषा में, तो जो चीज़ बोल रहे हो एक ही चीज़ है लेकिन अलग अलग भाषा में बोल रहे हो। तो जैसे मुजफ्फर अली साहब की थ्रू से, जो इंडिया के बहुत जाने माने मूवी डायरेक्टर और फेस्टिवल डायरेक्टर भी है, उनकी थ्रू से मुझे मौका मिला आबिदा परवीन के साथ बजाना और हंसराज हंस के साथ बजाना, और कोक स्टूडियो एमटीवी में भी मुझे बजाने का मौका मिला, और इन लोगों के साथ मैं ऐसे चीज़ें का यूज़ करने का मौका मुझे मिलता है कि मिडिल ईस्टर्न होता है लेकिन वो इंडियन म्यूजिक के साथ अच्छा लगता है और उसको एक नया फ्लेवर भी देता है। इंडिया में रहते हुए कोई एक ऐसा फॉर्म जो आपने डेवलप किया, क्योंकि आपने पढ़ाई यहाँ की, जब कोई एग्जाम दिया होगा म्यूजिक का, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपने बजाई जो आपने यहीं पर सीखी अपने गुरुओं से, कुछ वो बजा के दिखाएं? ठीक है, मैं आपको मतलब यहाँ पर उसको जैसे होना चाहिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि एक और संगीतकार होना चाहिए, लेकिन तबले में जब सोलो बजता है तो तबले के साथ एक लहरा होता है, एक हारमोनियम या सारंगी नवाज होता है जो एक मेलोडी को वो बजाता रहता है, और वो अगर तबला तीन ताल में बजा रहा है तो वो मेलोडी भी तीन ताल में होगा, तो वो मेलोडी बजाता रहेगा और वो तबले वाले की तबले नवाज के लिए एक गाइडलाइन है कि आप कहाँ पहुँचे हो ताल में, क्योंकि तीन ताल या एक ताल काफ़ी बड़े बड़े ताल होते हैं, 16 मात्रा का या 12 मात्रा का, और जब विलंबित जाता है तो बहुत स्लो जाता है। तो मैं तबला सोलो लहरा के साथ भी बजाया हूँ, तो जैसे पेशकार होता है तबले में उस चीज़ों का मैंने कोशिश किया निकालने का। तो वो सुनते हैं हम। फखरुद्दीन गफारी हमारे साथ है, कोई सवाल है अपना तो यहाँ पर आप लिख कर बताइए कॉमेंट्स में। मैं हूँ वैभव, हर थर्सडे आपके लिए लेकर आएंगे एक ऐसा ही आर्टिस्ट। सुनते हैं तबला तुम्बक पर कैसे बजेगा। सवाल आया आपके लिए कि इतनी अच्छी हिंदी कैसे जानते हैं आप? करीब 15 साल दिल्ली में रहा हूँ तो हिंदी तो अपने आप आएगा ही आएगा, कभी मैंने सीखा नहीं है ऐसे लोगों से सुन सुन के। और ऑब्वियसली जब कोई हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का पढ़ाई करता है तो उनको हिंदी तो सीखना उनको हिंदी ना ज़रूरत नहीं, उनको होना चाहिए। मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जिस तरीके से आप उसको अपनाया उसको समझोगे हिंदी जानते हुए, बिना हिंदी जानते हुए उसको कभी भी ऐसे नहीं समझ पाओगे। और उर्दू भी काफ़ी बोलने लगे, संगत और ऐसे हिंदी वाले शब्द जो होते हैं वो आप काफ़ी सीख गए हो। जी जी, क्योंकि हिंदी और उर्दू जो है उसमें बहुत सारे फारसी की शब्द से, जब मेरे फादर यहाँ पे थे उनके पास एक डायरी था, तो जब कोई
शब्द सुनती थी जो फारसी में भी होता है उसको उस डायरी में लिखती थी हमेशा। अच्छा, तो काफी वो डायरी भर गया था उस समय में। अच्छा, एक बहुत ही खास पोशाक पहन कर आए हैं यहाँ पर फखरुद्दीन, मेरे को बताओ पहना क्या है आपने? ये इसको हम मोहरकारी कहते हैं। हाँ। क्योंकि इसमें मोहर होता है या स्टैम्प्स जैसे होते हैं। ये इस्फहान का है। इस्फहान? हाँ, इस्फहान एक शहर है ईरान में जो काफी हिस्टोरिकल सिटी है। अच्छा। और जो इस्लामिक आर्किटेक्चर वगैरह जो बोलते हैं इंडिया में वो इस्फहान से ही होता है। अच्छा जी, तो बहुत खास शहर है इस्फहान, जैसे आगरा वगैरह होता है, तो ये वहाँ का है। और आज वैभव ने बोला था कि कॉलेज जैसे जमाने में पहन के मैं दावत हूँ मैं ये पहन के। ये पहन ईरान का कुछ पहन। इनका ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, कभी ऑफ माइक अगर इनके साथ बैठो कभी मौका मिले तो आपको ये हंसाएंगे भी बहुत। खैर, अच्छा एक बात बताओ सिन्हा मुझे कि इंडिया में कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुके हो? मैं ऑलमोस्ट हर सिटी में परफॉर्म कर चुका हूँ, और काफ़ी ICCR के साथ जो फेस्टिवल्स होते हैं उनके लिए काफ़ी काम किया है मैंने, एज ए स्टूडेंट एंड ऑल्सो एज एन आर्टिस्ट। और काफ़ी फेस्टिवल्स है, जहान खुसरो है जो अमीर खुसरो दहलवी का मेमोरियल है जो मुजफ्फर अली साहब करते हैं, उसमें उनका मेरे ऊपर बहुत मेहरबानी है हमेशा, उन्होंने मुझे उसमें डाला है। और काफ़ी इंडियन आर्टिस्ट के साथ मैं बजा चुका हूँ और सब लोगों से मुझे आशीर्वाद मिला है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दिल्ली में, बेंगलोर में, कलकत्ते में, बॉम्बई में। किसी को अगर आपका म्यूज़िक सुनना हो CD पर या डिजिटली सुनना हो आपका म्यूजिक, उसको जिसको आज फेसबुक लाइव देखते हो बड़ा मजा आया, वो कैसे सुन सकता है आपका म्यूजिक? यूट्यूब या फेसबुक में अगर आप मेरे नाम फखरुद्दीन गफारी डालेंगे तो सब परफॉर्मेंसेस वगैरह आ जाएंगे। अच्छा, और कोई CD नहीं खरीदी जा सकती, कहीं CD नहीं मिल सकती, डिजिटल कैसे म्यूजिक? एक CD निकला है जो श्रीनगर में फेस्टिवल हुआ था वहाँ पर हमने बजाया, एक ईरान से ग्रुप आया था, तो उसमें ईरान का शास्त्रीय संगीत है। और वो बहुत खास परफॉर्मेंस था मेरे लिए क्योंकि स्टेज बहुत बड़ा था और 3 ग्रुप्स स्टेज में थी, ईरान, कश्मीर और इंडिया, मालनी अवस्थी जी थे। अच्छा। तो वो CD जो है एक हर ट्रैक को एक बैंड अलग अलग परफॉर्म कर चुके हैं, तो बहुत ही खास CD है, जहान खुसरो कश्मीर करके शायद। क्या बात है। अब एक ऐसा पीस हम सुनना चाहेंगे जिसको बजाए बिना आप स्टेज से उतरते नहीं। अच्छा, ठीक है, क्या वो लास्ट में ऐसा पीस आता है जो सबको एक बार हिला देता है या फिर शुरुआत में था, कोई भी एक ऐसा पीस जिसके बिना आप उतरते नहीं स्टेज से? ये फखरुद्दीन गफारी हमारे साथ ईरान से, हमारे स्पेशल गेस्ट जो बजा रहे हैं अपने स्पेशल इंस्ट्रूमेंट तुम्बक को, और ये एक ऐसा पीस जो कि ये बजाए बिना उठते नहीं है। बात है, वाह। अब आखिरी में, क्योंकि फेसबुक लाइव अब खत्म करने का वक्त आ गया, थर्सडे ट्यून्स हर हफ्ते आपको हर थर्सडे को हम एक ऐसे फनकार से मिलाएंगे, ये बताइए कि कहाँ कहाँ परफॉर्म करने वाले हैं, क्या क्या प्लान है अभी आपके पास जो आप जानते हैं, किस किस शहर में जाने वाले हैं? अभी तो फिलहाल दिल्ली में हूँ और कोई कहीं जाने का प्लान नहीं है। मैं पुणे जाने का प्लान कर रहा हूँ सीखने के लिए, वहाँ पर काफ़ी सारे कलाकार हैं जो कई सालों से मैं उनके साथ मेरा दिल जुड़ा हुआ है और उसके संगीत से मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ, तो उनके पास जाना और उनसे रिक्वेस्ट करना सीखने के लिए प्लान है। नाम नहीं लूँगा क्योंकि शायद शागिर्द बनने का काबिल ना हूँ। अच्छा। तो इसलिए उन कलाकार का नाम नहीं लूँगा, लेकिन प्लान ये है। और अभी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में PhD चल रहा है मेरा, अंदर सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर सुनीरा खासलीवाल जी, हु इज द हेड ऑफ द म्यूजिक डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो चल रहा है और देखते हैं। डॉक्टर साहब बन जाओगे? संगीतकार कभी डॉक्टर नहीं बन सकता। अच्छा, और दिल्ली में कहाँ कहाँ परफॉर्म करने वाले हो, कुछ आपके लाइनअप है कुछ शोज?
कल रात को सोनम कॉल रहा है एंड सूफी गॉस्पेल प्रोजेक्ट. सोनम इज़ अ गुड फ्रेंड एंड उनके साथ मैं काफ़ी बजा चुका हूँ कहीं अलग अलग जगहों में. तो कल रात उनके साथ एक डिपो फोर्ट ये जगह करके लाइव म्यूजिक का सीन है वहाँ पर एन ब्लॉक मार्केट जी के वन में, तो उनके साथ वहाँ पर. क्या बात है, हम इनको एक बार फिर लेकर आएंगे क्योंकि मैंने सुना है कि इनके पास और भी ऐसे म्यूजिशियंस हैं, इनके दोस्त जो हैं वो इंडिया में हैं और वो बजाते हैं, उनको इनको एक बार फिर बुलाएंगे. कैसा लगा आपको आज का थर्सडे ट्यून्स, आप यहाँ कॉमेंट करके बताइए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए. फखरुद्दीन का म्यूजिक अगर फिर से सुनना है अपनी टाइमलाइन पे आपके तभी आएगा जब आप इसको शेयर करेंगे. जाते जाते फखरुद्दीन कुछ बजाना शुरू करें और मैं बाय बाय करूंगा फिर. ठीक है.